हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको मेरे बार्ड्स को जिस तरह से मैं सुबह खाना पीना देता हूँ उसके वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो एक ब्लॉग की तरह है, ठीक है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, कुछ बातें भी करेंगे हम इस वीडियो पे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक बेल का आइकन भी आ रहा होगा उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी हमने सारे बार्ड्स के जो है बर्तन पूरा ही रख चुके हैं। अभी सारे बार्ड्स को हमने खाना जो है सर्व करेंगे। मॉर्निंग के टाइम पे जो रहता है हमारा शेड्यूल रहता है, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये है चना, है काला चना है और इसके साथ गेहूं भी मिला हुआ है। ये हम प्रोवाइड करेंगे हमारे कॉन्यूर्स को। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके एक एक बर्तन पे हमारे जो बाद से उनको देते हैं, ठीक है। ज्यादा ना कम, इस तरह से आपको देना है, बिल्कुल ही एक मुट्ठा एक पैर के लिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा देंगे तो वो खराब कर लेंगे और कम देंगे तो उनको भूख भी लगेगा, ठीक है। तो इतना इतना हम देंगे, फिर एक एक करके हम अपने बाद के लिए खाना सर्व करेंगे। तो ये हो गया। और कुछ दोस्तों, एक एक केस पे जो बच्चे हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक एक केस में तीन है, एक केस में चार है, तो इस तरह से इनको थोड़ा सा एक दो बर्तन में थोड़ा सा ज्यादा देंगे। ये आप देखिए, ये गया पहला, ये आ गया दूसरा, और एक पाइनएप्पल का भी है, वहां पे भी तीन है, ये हो गया तीसरा। तो पूरा ही मतलब, ये दोस्तों ये जो भिगे हुए चने और गेहूं है, ये मैंने रात को भिगा हुआ था और इसको अच्छी तरह से हमने पानी में धो के फिर अपने जो हमारे जो बार से उनको हम सर्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी रेडी हो गया है। तो चलिए अभी हमारे जो बार से उनको देते हैं, उनके पिंजरे खोल के देते हैं। तो पहले हम दोस्तों जांडिया कॉर्नर से शुरू करेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे जांडिया कॉर्नर है। दोस्तों, ये बार बार खोल के भी बाहर आ जाता है और इसका आदत भी हो चुका है कि इस तरह से इनका जो डोर है ये खुला रहता है और ये बाहर घूमते हैं फिर अंदर चला जाते हैं। मैं जब आता हूँ गेट बंद करने के लिए, फिर अंदर चला जाते हैं, ठीक है। और बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि मेरा पूरा ही सेटअप जाली से कवर किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर चलिए, हमारे जो ये जो येलो साइडेड है इसको हम देते हैं, इसको ज्यादा देंगे। देखिए यहाँ पे चार है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे चार है, दो पेरेंट्स पेयर है और दो बच्चे हैं यहाँ पे। ये भी सेल के लिए अवेलेबल है, कोई दोस्त अगर लेना चाहते हैं मुझको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं डीएनए के लिए भी भेजा हुआ था। और यहाँ पे भी हमारे एक पेयर येलो साइडेड का है और इसका एक बच्चा है, ये देखिए दे दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक पाइनएप्पल का पेड़ है और इसका भी एक बच्चा है, तो चलिए इसको भी हम देते हैं। ये देखिए, ये हमने दे दिया। और चलिए अभी हम कॉकटेल को देते हैं। कॉकटेल अभी रेस्ट पे है, वो ब्रीड किया हुआ था और अभी वो रेस्ट पे है। ये भी अभी ब्रीडिंग मोड पे आ गए हैं शायद, लग रहा है मेटिंग भी कर रहे थे। ये देखिए सॉफ्ट फूड देख के नीचे आ गए हैं, ये बहुत ही अच्छा मेरा एक कॉकटेल का एक प्यार है। दोस्तों, कॉकटेल का और ज़्यादा सेटअप मेरा है, वहाँ से शिफ्ट करेंगे आपको, मैं जल्दी से जल्द दिखाऊंगा। तो नीचे एक हमारा पाइनएप्पल का प्यार है, उसको भी हम देंगे अभी। ये देखिए, ये भी आ गए हैं। और यहाँ पे भी जो हमारे तीन कॉन्यूर से, इनको भी हम देंगे। चलिए पहले गेट को खोल लेते हैं। दोस्तों, बार्ड्स को एक साथ मतलब खाना डिवाइड करके दें ताकि बार्ड्स जो है सब खाना को अच्छी तरह से फिनिश कर सके, खत्म कर सके अच्छी तरह से। और ज्यादा भी मत दे, कम कम दे, जितना हो सके उतना ही
मतलब जितना वो खाएंगे उस तरह ही दें, और देने से क्या होगा कि आपका ज्यादा जो खाना है वो वेस्ट नहीं होगा और जितना बार्ड्स को रिक्वायरमेंट है वो उतना ही खाएंगे, और आपका खाना भी कोई भी खाना कोई भी एक दाना भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया और हम यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं एक पेयर पाइनएप्पल और येलो साइडेड को। देखिए ये हो गया, और यहाँ पे हम देते हैं एक पेयर हमारा एक पाइनएप्पल और येलो साइडेड है, और इनका बॉक्स भी हम जल्दी लगाएंगे, और बस एक रह गया है। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम जो है सारे बर्ड्स को जो है हमने पूरा ही कम्प्लीटली खाना दे चुके हैं अभी, और बर्तन वगैरह यहाँ पे रेडी करके रखे हुए हैं हम, अभी इनको पानी भी देंगे। तो दोस्तों इसके बाद का जो शेड्यूल रहेगा हमारे जो बर्ड्स के, या इसके बाद हम बर्ड्स को फ्रूट देंगे, इसके बाद हम फिर वेजिटेबल देते हैं, फिर 4-5 बजे 3-4 बजे मतलब शाम को हम देते हैं क्या इनफ सीड्स देते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे दिन का जो डाइट होता है इस तरह से बना रहता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट पे बताएं, और अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले एक वीडियो पे, तो फिर मिलते हैं।